हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड कडल। आज हम बेसन के लड्डू बना रहे हैं बेबीज़ के लिए। मैंने मेनली मतलब आप 9 मंथ से अबव बच्चे के लिए भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी बेसन लिया था जिसको मैंने अच्छे से रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जब तक इसमें थोड़ा सा अरोमा ना आ जाए बेसन का, तब तक आप इसको थोड़ा थोड़ा रोस्ट करेंगे। मेक श्योर ये नीचे लगना नहीं चाहिए, इसके लिए आप कोई मोटी कढ़ाई ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाला है। घी डाल के मैं इसको थोड़ा सा इसको मिक्स करके ही रोस्ट करना स्टार्ट कर दूंगी। अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स पाउडर डाला है जिसमें मैंने पिस्ताशियोस, आलमंड और कैश्यू नट यूज़ किए हैं, और मैंने ये पाउडर घर पे ही क्रिएट किया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें मैंने 1/3 कटोरी घी डाला है। घी डालते वक्त आपको इसको मिक्स करते रहना है जिससे इसमें लम्स ना आए, तो आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको मतलब चमचे से अच्छे से मिक्स करते करते इसको बीच में इसको प्रेस कर रही हूँ जिससे इसमें लम्स नहीं आएंगे। इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक ये गोल्ड थोड़ा और ब्राउनिश ना हो जाए। जितना ये ब्राउनिश रहेगा उतना हमारा बेसन अच्छे से भुन पाएगा और इसका अरोमा बेसन के लड्डू का अच्छा रहेगा और खाने में भी अच्छा रहेगा। मैंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। यहाँ पे धीरे धीरे इसको मैं चलाती जा रही हूँ। मेक श्योर कि आप इसको चलाते रहेंगे जिससे लगे ना नीचे से। अब मैंने इसको एक परात में खाली कर लिया है ठंडा होने के बाद। ऐसा नहीं करेंगे कि ज़्यादा ठंडा होने रखेंगे, थोड़ा सा ल्यूक वार्म में ही आप लड्डू बनाना स्टार्ट कर देना, तो ल्यूक वार्म करके ही आप इसको परात में खाली कर देना। अब मैं इसमें जैगरी पाउडर डालूंगी। मैंने इसमें जैगरी पाउडर डाला है। जैगरी पाउडर डाल करके मैंने इसको स्पून से अच्छे से प्रेस किया है, क्योंकि जैगरी पाउडर में थोड़े से लम्स थे। अब मैं इसमें बॉल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। मेक श्योर आप इसको अच्छे से प्रेस करें जिससे अच्छे से सॉफ्ट बॉल में क्रिएट हो जाए। If you like my channel, please don't forget to subscribe. इसमें हमें सॉफ्ट हैंड से इसको प्रेस करना है, ज्यादा भी प्रेस नहीं कर देना वरना लड्डू टूट जाएंगे। मैंने इसमें जैगरी पाउडर इसलिए डाला क्योंकि मैं इसको बेबी फ्रेंडली बना रही हूँ। आप इसमें जैगरी पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप डेट पाउडर भी डाल सकते हैं। तड़ा, इट इज रेडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।